जैसा कि मैडम ने बताई है 15 साल खूब मेहनत किया, जितना मेहनत करना था सब मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया। और एक पुलिस वाले को जानते ही है कि 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सपने साकार नहीं हो पाता है। और कहा जाता है कि पुलिस वाले का जब सपने साकार नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ता ढूंढते हैं। राइट जवाब, आप सभी लोग जानते हैं कि वो हाथ फैलाते हैं इतना सैलरी मिलने के बाद भी। लेकिन दोस्त, मेरे मन में आया था कि मुझे गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, बल्कि अच्छे तरीके से पैसे कमाना है, सच्चाई से पैसे कमाना है, लोगों की दुआएं लेके पैसे कमाना है, लोगों को ठीक करके पैसे कमाना है। और एक जिस तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, उसी तरीके से एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को देखने को मुझे भी मिला था और मैंने विश्वास किया। सिर्फ किया क्या, विश्वास किया। और विश्वास करने की वजह से मैंने यहां पर प्रोडक्ट लिया। पिताजी को अस्थमा था और उनको 100% ठीक हो गया। और जब ठीक हुआ तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि अगर मेरे घर की बीमारी ठीक हो सकती है तो ऐसे समाज में हजारों लाखों लोगों की बीमारियां जो लाखों करोड़ों रुपया में भी ठीक नहीं हो रही है, एक अमीर आदमी तो इलाज करा सकता है, लेकिन एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज कराने की वजह से, पैसे न होने की वजह से कहीं ना कहीं दम तोड़ के घूट के डेथ हो जाती है। और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी व्यक्ति का 15-20 हजार रुपए में अगर लाखों की बीमारी ठीक हो जाती है तो सुदर्शन पुलिस विभाग के काम से भी ज्यादा ये काम अच्छा है। इसको जी जान लगा के मेहनत करके अगर कर लिया तो जो आप सपनों के लिए 14-15 घंटा मेहनत करते हो, वो मेहनत जो 30-35 हजार रुपए मिलता है, वो मेहनत के वजह से आज यहाँ लाखों रुपए का इनकम करता हूँ, लाखों रुपए का इनकम करता हर महीने का लाख रुपए से ज्यादा का इनकम है। ये काम सिर्फ करने की वजह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस संस्था को बनाए संजीव सर ने, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए, इतना जबरदस्त एजुकेशन बनाए, इतना जबरदस्त तरीके से रिजल्ट प्रोडक्ट का बनाए। और मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं संजीव सर का, जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाए कि एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, या नौकरी करने वाला व्यक्ति भी हो या बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी हो, तो चाहता है तो अपने काम को करते हुए एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा काम करके वो भी अपनी जिंदगी में सम्मान और पहचान प्राप्त कर सकता है। जैसे दोस्त, एक पुलिस वाले को आप देखते होंगे कहीं भी चौराहे पर थोड़ा सा जाम लग जाता है तो गाली देती है, लेकिन अभी आप लोग के बीच में मैं आ रहा था तो आप सभी लोगों ने इतना गर्म जोशी के साथ में, फूल माले के साथ में, नगाड़े के साथ में आप लोगों ने सम्मान किया। इस सोच के साथ में मैंने काम करना शुरू किया और काम करने का नतीजा है हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ कठिनाइयां आती है, हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ निगेटिव आता है। जब इस काम को मैंने करना शुरू किया था, जब अपने लोगों के पास लेके गया था, जब अपने रिश्तेदार के पास लेके गया था, अपने भाई के पास लेके गया था, अपने चाचा के पास लेके गया था, अपने माता के पास लेके गया था, तो हर व्यक्ति ने एक ही सवाल जवाब दिया था, सुदर्शन ये काम चलता नहीं है, ये 2 के 4, 5, ये 10 टोपी पहनाने वाला काम है, तो इस काम में फेल हो जाएगा। जो नौकरी करता है 25,000-35,000 मिलता है, उसी काम को कर, तुम्हारी यहां से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और दोस्त, हर व्यक्ति ये गलती करता है, सुनता उसी का है और सुनने के बाद वो क्या करता है, घर बैठ जाता है। मैंने घर नहीं बैठा, मैंने घर नहीं बैठा, मैं बाहर भी परेशान था, अंदर भी परेशान था, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे, धंधा चल नहीं रहा था,
तो मुझे समझ में आया था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेरे अंदर कमी है। और मैंने जाके फिर गुरु जी के पास बैठा, रवि सर के पास बैठा कि गुरु जी आप बोल रहे थे कि यहां से तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, आप लाखों रुपए कमाओगे, आप जिंदगी में कार खरीदोगे, आपको इज्जत सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं फील्ड में जाता हूं और मुझे एक भी व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए हां नहीं बोल रहा है। क्या करना चाहिए? क्या आप लोग पूछते हैं? क्या आप लोग पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। और क्या कहते हैं, मोबाइल को बंद कर लेते हैं। लेकिन मैंने गया गुरु जी के बैठ के वहां पर गुरु जी के पास 2 घंटा तक ले, हर एक प्रश्न का हर एक जवाब, जो बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किस तरीके से यहां पर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मैंने वो बात सारी चीजें सीखा। और गुरु जी ने एक ही बात बोला था, सुदर्शन जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए बस रुकना मत। सुदर्शन कुछ भी हो जाए तुम मेरे फोन से बात करना, जहां मीटिंग होगा, जहां ट्रेनिंग होगा, कुछ भी बोले लोग, तू रुकना मत। ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में आते रहना। मैं गारंटी देता हूं, एक दिन आप स्टेज पर होगे, लाखों रुपया कमाओगे, आपके पास घर भी होगा, आपके पास कार भी होगा, आप आने वाले समय में अरे ब्रांच नहीं तू डायमंड भी होगा। दोस्तों अभी अभी मैं बात कर रहा हूं, इसी महीने की 1 तारीख को जो अगला आने वाला है, आप लोगों के बीच में डायमंड बन के आ रहा हूं। और जहां लोग बोलते थे 1,000 का चेक बन जाएगा तो देख लेंगे, 2,000 का चेक बन जाएगा तो देख लेंगे, दोस्त 2,000 नहीं, 4,000 नहीं, 8 लाख नहीं, जो अगला चेक आने वाला है 12,40,000 आने वाला है। देखते रहो तुम, मैं काम करते रहूंगा, सफल बनकर दिखाऊंगा, तुम देखते रहो वहां बैठ के। और लोग आज भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, आज भी यहां डायमंड बन गया, अब तू आगे नहीं बढ़ेगा। अरे दोस्त तू देख के आओ, एक दिन ब्रांड एम्बेसडर भी बनकर तेरे सामने खड़ा है। देखता मैं लगता हूं, क्या आप लोग लगते हैं चाहते हैं? तो दोस्त बस मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं, रुकना मत, रुकना मत। अपने सीनियर की अपलाइन की हाथ पकड़ के जैसे बोलते हैं वैसे काम करते रह जाना, दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल कुछ भी हो जाए बस उसकी बात को मान ले। दोस्त मैं अगर नहीं माना होता, नहीं माना होता, वो व्यक्ति मुझे समझा रहा था जिसकी औकात 15,000 की भी नहीं थी, वो व्यक्ति मुझे समझा रहा था कि अरे यार ये काम जोड़ने वाला है, ये काम चलता नहीं है, तेरा काम वो जो है पुलिस वाला का सही है। मैं आज पूछता हूं, मेरी कोई लाइव कर रहा होगा तो सुन लेना, बतलाओ सर आज ये काम चलता है या नहीं चलता है? चलता है नहीं चलता है? पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है और आते रहेगा। और सुन लो, आप वही से जलते रहोगे, हम यहां से जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने मना किया था, बदलाव समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? मान लेने में बहुत सारे लोग यहां पर आए होंगे, किसी को खाना नहीं मिला होगा, किसी को पानी नहीं मिला होगा, किसी को कोई तकलीफ में हुआ होगा। मैं पहले बार जब मीटिंग में गया था,
पुलिस वाला होने के बाद भी ट्रेन में आदत थी टिकट न चलाने की और कटाने की, वो है कि नहीं, दादागिरी चलता है कि सबको अपना ही है। और उस स्थिति में कभी कभी ऐसे भी होती है कि इस सीट से उस सीट, उस सीट से उस सीट, जो भैया आया उसको कहा ये हमारा है, छोड़ के दूसरे ही है। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। एसी के सामने खड़े हो जाओ तो टीटी बोलता है तुम्हारी औकात नहीं है। अरे याद मैं बोलता हूं, कल बोल रहे थे औकात नहीं है, आज बोलता हूं कि आज थर्ड हो चाहे सेकेंड एसी हो या गाड़ी हो या फ्लाइट से घूमता हूं, अब जनरल की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ताकत है टिकट की, ये ताकत है। आप भी चाहते हैं? चाहते हैं? कोई मतलब नहीं है आज खाना मिला कि नहीं मिला, आज पानी मिला कि नहीं मिला। मैं भी आज पीछे बैठा था, सीट नहीं मिला था, दर्द होता था। कभी हमारा भी सम्मान होता, कभी हमारे घर में भी पैसे आते, लेकिन क्या ऐसे ही आ जाएगा? एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, 12 घंटा 16 घंटा मेहनत करता है, घर से दूर हो जाता है, कोई घर में बीमार हो जाता है तो फिर भी नौकरी पर जाता है, लेकिन इस बिजनेस में थोड़ी सी समस्या आता है घर में बैठ जाता है, फोन नहीं उठाता है, सीनियर को उल्टा सीधा पढ़ा देता है, क्या इससे सफलता मिल जाएगी? तो दोस्त ज्यादा वक्त नहीं है, अभी डायमंड बन के आऊंगा तब बोलने की बारी है। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, एक पुलिस वाला नौकरी छोड़ के अगर आपके सामने यहां स्टेज पर है तो या तो ये समझदार है या तो आप समझदार है। कौन समझदार है? और बात नौकरी की नहीं है, बात सफलता की है, बात सक्सेस की है। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो जीवन में तकलीफें आएगी, और जो तकलीफों को झेलता है रियल में वही व्यक्ति सक्सेस होता है। जो कांटों से चला नहीं वो कभी गुलाब के फूल को क्या तोड़ पाएगा? जिसके अंगुलियों में कांटा चुभा नहीं वो गुलाब का फूल क्या तोड़ पाएगा? सही है गलत है? सही। तो लाखों रुपए कमाने के लिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए कांटे तो चुभेंगे, लेकिन 10-15 हजार कमाने के लिए कांटे नहीं चुभेंगे। तो दोस्त आज इसी बिजनेस से, इसी प्लेटफॉर्म से आज अगर मैं कहूं तो लगभग मैं यहां से 50 लाख से भी ज्यादा का इनकम कर चुका हूं। और आज कभी सोचता था कि मेरे पास बाइक नहीं हो जाती, लेकिन आज फॉर्मूला को मेंटेनेंस करता हूं और बहुत जल्द मैं वादा कर रहा हूं जहां पर लोग बोलते हैं पैसे बचा के अमीर हुआ जाता है, मैं कहता हूं पैसे खर्च करके सक्सेस मिलता है। और आप लोगों के बीच में 52 लाख रुपए की BMW कार लेके आ रहा हूं। और आज जिंदगी बहुत शानदार है, बहुत मस्त है, इज्जत भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी बस इसी तरीके से मुझे सर पर हाथ रखे रहिएगा, मैं तो इतना दौड़ूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि जब तक ले ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगा तब तक ले आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दोस्त आप बने रहना, एक व्यक्ति को चुन चुन के जब तक ले डायमंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन जाऊंगा तब तक मरने वाला भी नहीं हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है और इसे आशीर्वाद देते हैं।